हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल के लाला सुनो एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो यही को है, इसमें ये परेशानी है। देखो स्टार्ट करते ही पानी को ये इसे यानी बहुत तेज यानी बाहर निकाल रही है, क्योंकि क्या है ये भाई साहब की गाड़ी है, ये काफ़ी दूर से आए हैं, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ओवर हीट कर रही है और ये साइड का डिब्बा भर रही है ना, साइड के डिब्बे में पूरा पानी भर देती है। और इनके यानी काफ़ी टाइम पहले इन्होंने थर्मोस्टेट वाल निकलवा दिया था, तो ये पोजीशन में हो रही है। अब देखो ये पोजीशन आने के बाद में गाड़ी क्या हो रहा है, पानी बहुत तेज़ी से गर्म हो जाता है ना, पानी बहुत जल्दी गर्म हो रहा है और ये साइड की बोतल में से पानी निकाल रही है। अब इन चीज़ों का सोल्यूशन दोस्तों क्या है वो मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं इस चीज़ से, ये डिब्बे के बोतल में पानी भरने से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि बार बार में बोतल भर जाती है और ओवर हीट होती है गाड़ी। तो इन चीज़ों का सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। देखो पहला तो अपन को रेटर क्लीन करवाना है, इसका रेटर खुलेगा और रेटर क्लीन होएगा, और इसका थर्मोस्टेट वाल है वो भी मैं बता दूंगा आपको कौन सा डालना है। क्या इसमें से इन्होंने निकलवा दिया, अब वो इसमें नहीं है गाड़ी में, लेकिन अभी मैं डालूंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। पहले तो इसका देखो, सबसे पहले जो अगर सोल्यूशन करना है ना इस बोतल को ना भरने का, यानी ये बोतल भरती है ना बार बार में, तो क्या प्रॉब्लम होती है अपन को क्या करना है। इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। आप कितनी दूर से चल के आए? 125 किलोमीटर से। 125 किलोमीटर से आए हैं। सोल्यूशन ये देखो, पहली बात तो ये पानी बहुत तेज़ी है बाहर आ रहा है, इसका मतलब पता क्या है, ये आने का रीज़न पता हूँ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ होने का मतलब है ये ढक्कन है ना इसका, इसको ये फेल करेगा बार बार में, मतलब इसका प्रेशर है ना इस पर ढक्कन पर आएगा और ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ढक्कन खुल जाएगा और इसमें पानी जाके इसमें भरने लग जाएगा, पहली बात तो ये। और दूसरी थर्मोस्टेट वाल होने की वजह से राउंड पानी तेज़ लेगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले ये रेटर खोल लेता हूँ, रेटर की सफाई करवाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, रेटर तो खोल के पहुँचा दिया सर्विस पे, और ये थर्मोस्टेट वाल मंगवाया है, ये पुराना ही है। अब इसको चेक करेंगे, पहले इसको चेक करने का तरीका भी दिखा देता हूँ मैं, ये भी डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें निकाला हुआ है तो वो नहीं, इसको ओरिजिनल बनाएंगे, जो गाड़ी कंपनी चाहती है ना उस हिसाब से सेट करेंगे। तो चलो मैं इसे दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, पानी गर्म करवा रहे हैं, ये डालेंगे, फिर ये डालने पर नहीं, ये जो पीछे का हिस्सा ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब ये खुल जाएगा वाल, अगर ये खुल रहा है तो ये ठीक है, फिर ये चेंज डालेंगे, नया मिला नहीं है दोस्तों इसलिए ओरिजिनल है, ये भी डाल रहे हैं हम, सेकेंड हैंड है ये, पर इसे चेक करके डालेंगे अच्छे से। तो ये देखो दोस्तों, अब हम थर्मोस्टेट वाल इसमें डाल रहे हैं, जैसे ये हीट होगा ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा टाइम लेगा, अभी पानी गर्म नहीं हुआ। तो ये देखो दोस्तों, धीरे धीरे खुलने लग गया थर्मोस्टेट वाल, ये देखो गर्म होया पानी और ये खुल गया, देखो थर्मोस्टेट वाल, आपको निकाल के भी दिखाऊंगा मैं। तो ये देखो दोस्तों, ये खुल चुका है, ये देखो ये ऊपर का ढक्कन है इसका, ये देखो ये ओपन हो गया, इसको भी डाल दे, ये देखो ये ओपन हो चुका है, ये चीज़ पीछे आ चुकी है, इस तरीके खुलता है, जैसे ठंडा होएगा ना धीरे धीरे। देखो मैं इसको बंद करके दिखा देता हूँ, देखो पहला आप ये देखो रबर रिंग का, ये देखो कितना खुला हुआ है ना, अब की टूटी चालू करना, और देखो जैसे ये ठंडा होएगा देखो यहाँ अंदर चल जाएगा, देखो ये देखो ये ठंडा हुआ और ये देखो बंद हो गया, इस तरीके से काम करता है, देखो इसका मतलब ये ठीक है, ये देखो बंद हो गया पूरा है ना। चलो दोस्तों ये भी चेंज करेंगे, बंद कर दो टूटी, ये रेटर की भी सर्विस करवा ली, ये देखे बिल्कुल नया निकाल दिया। तो चलो लगाओ रेडिएटर, जो रेटर फिट करने की वीडियो जो मैं पहले डाल चुका हूँ, जो आप देख चुके हैं, काफ़ी आसान है लगाना भी, 10 मिनट का खेल है। ये पहले ये असेंबल किया जाएगा फैन, चलो लगा देते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ये थर्मोस्टेट वाल लगा दिया इसका, अब इसको फिट करते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा, देखो पानी का राउंड कितना यानी सही है और पानी कितना है। कस्टमर से खुद से उंगली डलवा के चेक करवा के दिखाऊंगा, देखो पानी हीट हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले स्टार्ट करते ही 1 मिनट में हीट हो जाता था पानी, है ना। तो चलो अभी करते हैं इसको फिट कर दें। तो दोस्तों ये देखो सारा काम कर दिया, कूलेंट डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, इसमें डाल दिया, अब देखो पहले में और अब में क्या पोजीशन में फ़र्क आता है। हाँ जी स्टार्ट करो, ये देखो गाड़ी स्टार्ट, और ये देखो अब वो पानी जो बाहर आने का हिसाब था ना वो नहीं है, ये देख लो आप, और मैं पानी डाल देता हूँ थोड़ा सा, देखो
बिल्कुल भी राउंड नहीं ले रहा पानी, ये देखो बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट है, जबकि गाड़ी स्टार्ट है ना भाई, ये देखो गाड़ी भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ऊपर तक लग गया, ये देखो पानी बिल्कुल भी नहीं रहा ना, और ये देखो गाड़ी स्टार्ट है, आवाज़ सुन लो आप, ये देखो गाड़ी स्टार्ट है, अब पानी बिल्कुल भी नहीं घूमता, अभी से गर्म होने देते हैं एक बार, फिर उसके बाद में दिखाते हैं आपको, पहले एक बार बंद कर लेते हैं, फिर भैया से स्टार्ट करवाएंगे और फिर दिखाएंगे आपको। ये जो एयर है ना इसमें अंदर पानी में उसका आ रहा है, जो इसमें अभी धीरे धीरे गर्म होएगी, जैसे थर्मोस्टेट वाल्व खुलेगा तो पानी आएगा ना, जब पूरा फिक्स होएगा, तो एक बार इसे पूरी गर्म कर लेते हैं। तो अभी इसके टेस्ट ड्राइव पर जा रहे हैं, गाड़ी कम्प्लीट है, टेस्ट ड्राइव लेके दिखाते हैं। तो दोस्तों हम टेस्ट ड्राइव लेने आ चुके हैं, काफ़ी दूर चला भी आए, काफ़ी अच्छी स्पीड में है, तब आपको यानी कि कितना हो गया होगा, दस बीस किलोमीटर हो जाएगा ना, 20 किलोमीटर चला कर फिर दुकान पे दिखाता हूँ पानी बाहर निकाल रही है नहीं निकाल रही डिब्बे से। फिर वैसे तो अभी हमने चेक किया रास्ते में, बिल्कुल भी नहीं निकाल रही, 1% ही हिट नहीं है, तो चलो दुकान पे चल के ऑन करता हूँ कैमरा। तो दोस्तों टेस्ट ड्राइव लेके आ चुके हैं, चलो आपको क्या बताया था हेड, क्या बताया था आपको, हेड खुलेगा ना, कहाँ पे चेक करवाया था आपने आपके वहाँ, भरतपुर में, तो चलो बिना हेड खोले देखो इसका ये सॉल्यूशन होता है, चलो मैं दिखा देता हूँ। आप देखो डिब्बे में से 1% भी पानी नहीं ले रही है, गाड़ी स्टार्ट ही रख रखी है मैंने, और ये देखो डिब्बा भी यूँ कहीं है और ये भी यूँ कहीं है, सब कुछ यूँ कहीं है, ये देखो बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा पानी वगैरह कुछ नहीं, जैसा गए थे वैसे के वैसे ही। ये तरीका होता है दोस्तों इन चीज़ों, ये प्रोसेस करना पड़ता है। अब इसमें प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या थी, देखो फैन ऑन हो गया, टाइम पर ऑन हो रहा सब कुछ, इसकी जो आगे की जालियाँ होती है ना फिंस, पकड़ना बोनट को, जो इसके फिंस है ना इनके अंदर बहुत सारे कीड़े और इसमें यानी एक लेयर जम चुकी थी मतलब मिट्टी की, धीरे धीरे करके काला बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से ये ओवर हीट कर रही थी और इस बोतल में से पानी बाहर कर रही थी, ये प्रॉब्लम थी इसमें। और थर्मोस्टेट वाल्व इसलिए डाला ताकि ये ओरिजिनल यानी कंपनी की जो फिटिंग थी ना उस पर फिट हो जाए, और इसका प्रोसेस यानी जो कंपनी से था ना वही प्रोसेस पर सेट हो जाए, बाकी प्रॉब्लम इसके फिंस में थी। चलो अब चलते हैं, सर जी को तो हेड खोलने की बोली थी किसी ने वहीं पे, तो इन्होंने मेरे नंबर लिए यूट्यूब पे, मेरे से बात की और फिर आए ये, तो अब ये देख लीजिए हम कितनी दूर चला के आ गए, 1% ना तो पानी वो हुआ ना बॉयल हुआ ना कुछ हुआ, सब कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। इसलिए आप भी अगर आपको कोई ये चीज़ बताए एक बार तो एक ये चीज़ें ज़रूर करवा के देखें, ये सब छोटे काम है। चलो चलते हैं, हम कंप्लीट करते हैं। तो गाड़ी रवाना हो रही है, भाई साहब की गाड़ी कंप्लीट कर दी काफ़ी बेहतरीन, और ये गाड़ी गई, अब ये बाकी गाड़ियों का काम हो रहा है, हो रही है ये रही, चलो इनका काम करते हैं। तो दोस्तों ये गाड़ी में ना ये जो साइड वाली बोतल है ना इसमें पानी बाहर फेंकती थी गाड़ी, अब कस्टमर को हमने काफ़ी करीब 20-25 किलोमीटर चला के भी दिए गाड़ी को, कस्टमर को काफ़ी बढ़िया लगा, और इनके वहाँ पर यानी इनके वहाँ पर इनको बताया गया था भैया हेड खुलेगा या फिर इंजन भी खुल सकता है, मतलब एक तरीके से मतलब पहले तो हेड की बोली फिर भी बोले भाई हेड खुलने के बाद पता चलेगा क्या होएगा क्या नहीं होएगा, बाकी हेड खुले बिना नहीं होएगा, जबकि मैंने सिर्फ इसका रेडिएटर क्लीन करवाया है और थर्मोस्टेट वाल्व जो इन्होंने निकाल दिया था ना वो वापस डाला है मैंने, और यानी रेडिएटर को अच्छे से क्लीन कराया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो रेडिएटर के फिन्स होते थे ना उनमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंसे हुए थे और उसमें काफ़ी मिट्टी जम चुकी थी, यानी अच्छे से बारीकी से देखने पर पता चल रहा था बहुत सारी जगहों पर पैक हो रहा था वो, इस वजह से गाड़ी हीट हो रही थी और पानी बाहर निकाल रही थी। तो अगर आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ भी हो ना दोस्तों तो आप लोग भी सबसे पहले ये प्रोसेस चेक करें, डायरेक्ट इंजन ही खुलवाना है, यही फ्रॉड होता है, इसी तरीके से आप लोगों के साथ यानी फ्रॉड हो जाता है। अब अगर मान लीजिए पूरा इंजन खुलता तो ये सारी चीज़ों की सर्विस होती है, प्रॉब्लम दूर हो जाती, छोटा प्रोसेस छुपाया जाता है आप लोगों से, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अब देखो वो गए हैं यहाँ से, सब्सक्राइबर काफ़ी हैप्पी हैं, काफ़ी खुश भी हैं, तो चलो अब वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज जो पब्लिक प्रॉफिट की मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं, और अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही कोई ना कोई मैकेनिकल नॉलेज होगी बेहतरीन होगी और पब्लिक के प्रॉफिट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।